नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड रोलैंड XPS 10 में ट्रांसपोज का यहां पर यूज कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड को यहां पर ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर इस कीबोर्ड में ट्रांसपोज करना काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पर ऑनबोर्ड कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज का बटन दिया है और इसी के साथ आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि कैसे प्लस माइनस करना है। अगर आप डायरेक्टली इसे प्लस माइनस करेंगे तो जो आपका ऑक्टेव है वो यहाँ पर प्लस माइनस होगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑक्टेव प्लस हो रहा है एंड जैसे हम माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। मगर आपको यहाँ पर अगर ट्रांसपोज का यूज़ करना है तो सिंपल है, आपको ये जो ट्रांसपोज वाला बटन है इसको होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद आप जैसे ही इसे प्लस माइनस करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है हमारे कोड्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं बता दूं कि दूसरे कीबोर्ड में जैसे आपको प्लस वन माइनस वन वैसा लिखा आता है, यहाँ पर आपको बेसिक जो है कोड्स लिखे हुए आएंगे। मतलब कि अगर आपका यहाँ पर सी कोड लिखा है, मतलब कि आपका ट्रांसपोज जीरो है। अगर आप प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पर ट्रांसपोज की जो लाइट है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि आपको इससे पता चल जाएगा कि क्या आपका कीबोर्ड ट्रांसपोज हुआ है। अगर आपको निकालना है तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर से ट्रांसपोज के बटन को प्रेस करके रखना है तो वो बता देगा कि आपका ट्रांसपोज प्लस में या माइनस में है। देखिए, मैं अगर माइनस में लेके जाता हूँ एंड फिर से मैं अगर ट्रांसपोज पर प्रेस करके रखूँगा तो मुझे बता देगा कि अभी जो मेरा कीबोर्ड है वो माइनस में है। सिमिलरली आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर जो यहाँ पर कोड्स आ रहे हैं वो भी चेक करने हैं कि जो मेरा कीबोर्ड है वो, देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज F बता रहा है, F शार्प बता रहा है। उसी तरह से अगर मेरे को फिर से इसे जीरो करना है तो सिंपली मुझे यहाँ पर C पर लाकर इसे छोड़ देना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर C वैल्यू रखता हूँ ट्रांसपोज की, ये देखिए, अगर मैं C वैल्यू रखूँगा ताकि यहाँ पर हमारा जो कीबोर्ड है वो वापस से जीरो पे आ जाएगा। बस आपको एक बात का खास करके ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई लाइट्स नहीं चल रही है, मतलब कि आपका कीबोर्ड है अभी तक ट्रांसपोज नहीं है। और अगर आपने बाय मिस्टेक आपसे अगर ट्रांसपोज हो जाता है और आपको पता करना है कि क्या आपका कीबोर्ड ट्रांसपोज है या नहीं, तो आपको ये लाइट को चेक करना है। और ये लाइट अगर यहाँ पर ट्रांसपोज की स्टार्ट है, मतलब कि आपका कीबोर्ड ऑलरेडी ट्रांसपोज में है। एंड अगर आप इसे प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या आपका कीबोर्ड माइनस में है या फिर प्लस में है। तो बस सिंपल आपको ट्रांसपोज का बटन होल्ड करके रखना है एंड प्लस माइनस करके आप अपने कीबोर्ड को सिंपली अपने रोलैंड XPS 10 में ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ऑक्टेव प्लस माइनस करना है तो देखिए यहाँ पर ऑक्टेव का बटन दिया है। ऑक्टेव के बटन के लिए आपको यहाँ पर ऑक्टेव का कोई भी अलग से स्विच नहीं दिया है। सिंपली आप जैसे यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, अगर आप डायरेक्टली प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस वाली जो लाइट है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको डिस्प्ले पर भी बताएगा कि आपका जो कीबोर्ड है वो प्लस टू पर है ऑक्टेव, माइनस पे है। तो जो भी यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगी ऑक्टेव की वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर बता देगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड रोलैंड XPS 10 में ट्रांसपोज का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।